او ضرر متوجه نوی همداسې د سیمې هیوادونو ته तो दोस्तों गौर से देख लीजिए ये तस्वीर है अफगानिस्तान के पूर्व आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर की, जिनका नाम बताया जा रहा है सैयद अहमद शाह सादत। दोस्तों ये अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मिनिस्टर रह चुके हैं और फिलहाल इनकी आज कंडीशन इस तरीके की हो गई है कि जर्मनी के अंदर इन्हें पिज्जा बेचना पड़ रहा है। तालिबान का राज अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही आया है, अफगानिस्तान के मंत्रियों के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि पिज्जा की डिलीवरी कर करके इन्हें अपना गुजारा करना पड़ रहा है। हालांकि इन मंत्री के बारे में बताएं तो ये बहुत ही पढ़े लिखे मंत्री हैं। ऑक्सफोर्ड से इन्होंने अपनी स्टडी की थी और उस स्टडी के बाद इन्होंने कई देशों के अंदर काम भी किया है। हालांकि इनकी काबिलियत की बात करें तो काबिलियत को देखकर कोई मोहताज नहीं है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी की है और 13 बड़े शहरों में, दुनिया के 13 बड़े शहरों के अंदर इन्होंने 23 साल तक काम किया है और लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये एक स्टूडेंट रह चुके हैं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही तालिबान का कंट्रोल बढ़ने लगा, वैसे ही दिसंबर 2020 के अंदर इन्होंने अपना देश छोड़ दिया और इस्तीफा देकर ये जर्मनी आ गए। जर्मनी के अंदर आ तो गए लेकिन जर्मन भाषा इन्हें आती नहीं है और इसी कारण से ये पिज्जा बेचने को मजबूर हो गए हैं। इनका कहना है कि मुझे कोई और जॉब नहीं मिली है क्योंकि अभी तक मुझे जर्मन भाषा नहीं आती है और इस सिचुएशन में मैं जर्मन सीख रहा हूं और पिज्जा बॉय की डिलीवरी मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं जर्मनी की जर्मन भाषा को अच्छे से समझ सकूं और वहां पर कोई बेटर नौकरी के लिए कामकाज कर सकूं। लेकिन पिज्जा बॉय बने हुए अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मिनिस्टर की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि अफगानिस्तान के मंत्रियों के भी हालात बहुत सही नहीं है।